तक ने किया 2020 के सबसे तेज अवार्ड्स का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के सबसे तेज राजनेता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने सबसे तेज मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से काफी आगे। रोहित शर्मा बने देश के सबसे तेज क्रिकेटर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ा। सोनू सूद ने जीता आज तक का सबसे तेज अभिनेता का खिताब, अमिताभ बच्चन और सलमान को रेस में पछाड़ा। कंगना रनौत ने अपने नाम किया आज तक के सबसे तेज एक्ट्रेस का खिताब, दीपिका से आगे निकली। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे की माथापच्ची के बाद 50% कामयाबी, 4 में से 2 विषयों पर रजामंदी बनी। पराली को लेकर किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है सरकार, बिजली के मुद्दे पर भी सहमति बनी। सरकार पहले ही यह कहती, एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे किसान, एमएसपी के मुद्दे पर भी कोई बात अभी नहीं बनी। पूरा समाधान निकलने तक जारी रहेगा आंदोलन, बातचीत खत्म होने के बाद किसानों ने ऐलान किया। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख में मीटिंग होगी। 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिर होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत, बाकी 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार के सकारात्मक रवैये से किसानों की उम्मीद बढ़ी, कल प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रद्द किया। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई थी किसानों और सरकार के बीच की बातचीत, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोमपाल मौजूद थे। किसानों के लिए गुरुद्वारे से आया खाना, विज्ञान भवन में लंगर में बैठकर संगठन के नेताओं ने खाना खाया। 7वें राउंड की बातचीत के दौरान दिखा अनूठा नजारा, किसानों के लंगर में तीनों मंत्रियों ने भी खाना खाया। आज किसान आंदोलन का 35वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं। कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर अड़े हैं किसान, टेकरी बॉर्डर पर कमीज खोलकर प्रदर्शन किया। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए बना अस्थायी मॉल, लखीमपुर खीरी से आए एक किसान ने इंतजाम किया। संगरूर से कांग्रेस के विधायक ने दिल्ली की ओर कूच किया, 500 किसानों के साथ टिकरी बॉर्डर के लिए पैदल निकले। जलंधर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, रवनीत बिट्टू का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। दूसरे दिन भी वीरभूम में डटी रही ममता बनर्जी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वीरभूम के एक गांव में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खाना बनाया। आज फिर नंदीग्राम पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, जख्मी कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल का दौरा किया। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, लॉन्च किया सोनार बांग्ला अभियान। पश्चिम बंगाल में बूथ स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन कर रही है बीजेपी, कार्यकर्ताओं को दी गई ट्रेनिंग। बिहार में सियासी तोड़फोड़ की आहट, आरजेडी के श्याम रजक बोले संपर्क में है नीतीश के 17 एमएलए। श्याम रजक के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा आरजेडी के 3 दर्जन विधायक हमारे साथ आने को तैयार। बोर्ड एग्जाम को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री निशंक, ऑनलाइन नहीं क्लास में ही परीक्षा कराए जाने पर विचार। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की भारत में पुष्टि, अब तक करीब 20 लोग पॉजिटिव। ब्रिटेन से मेरठ लौटी 2 साल की बच्ची भी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, मां बाप कोरोना संक्रमित है। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के स्विच ऑफ है मोबाइल फोन, घर के पते के आधार पर उन्हें ढूंढने का काम हो रहा है। देश में वैक्सीन की एमरजेंसी इस्तेमाल पर आज नहीं हो सका फैसला, अब 1 जनवरी को होगी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। दिल्ली में शर्तों के साथ मनेगा नए साल का जश्न, पुलिस ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। गुजरात सरकार ने भी जारी किए गाइडलाइंस, 31 दिसंबर को 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर पाबंदी। कोविड काल में आयकर दाताओं को राहत, आईटी रिटर्न भरने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाई गई।
दिल्ली में युद्ध स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का काम, श्रीनिवासपुरी में तैयार हुआ पहला केंद्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, 1,02,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा की लोग ठीक, अब 2,62,000 एक्टिव केस। कोरोना की भेंट चढ़ गया दिल्ली का मैडम तुसौ म्यूजियम, आर्थिक तंगी की वजह से बंद। रोहतक में हॉरर किलिंग, लड़की के पिता ने अदालत में लव मैरिज करने जा रही बेटी और प्रेमी पर की फायरिंग, लड़की की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में ज्वेलर्स की दुकान से 10 करोड़ की चोरी, कारोबारियों में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हथियार के बल पर चावल कारोबारी से 13,00,000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। नोएडा में गैंगस्टर की 25 करोड़ की संपत्ति की कुर्की, सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य निजाम और सत्यवीर बंसल पर शिकंजा। मुंबई में ऑटो में स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। दरभंगा में 5 करोड़ की लूट में विकास झा नाम का आरोपी गिरफ्तार, लेकिन बरामद नहीं हो सका लूट का सोना। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने किया गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी के साथ लग्जरी कार बरामद। गाजियाबाद में दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, जाति सूचक शब्दों की चेकिंग के लिए पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, पुलिस के अनुसार कारोबारी दुश्मनी में वारदात को अंजाम दिया गया। शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को पार्टी में शामिल कराकर फंसी बीजेपी, विवाद बढ़ा तो बाहर करने का दावा। कपिल गुर्जर को लेकर बीजेपी के गाजियाबाद यूनिट की सफाई, कहा नहीं थी आपराधिक इतिहास की जानकारी। कपिल गुर्जर को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, संजय सिंह बोले सामने आया असली चेहरा। कानपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने जुलूस निकाला, सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 60 ठिकानों पर ईडी का छापा, अमेठी लखनऊ और कानपुर के घर और दफ्तर पर रेड। लखनऊ में गायत्री प्रजापति के बेटे के दफ्तर पर भी छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कार्रवाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से सामने आई हिंदुओं पर जुल्म की तस्वीरें, भीड़ ने मंदिर को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गांव से बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। श्रीनगर में आतंकियों के साथ दूसरे दिन भी जारी रहा एनकाउंटर, अब तक ढेर हो चुके हैं 3 आतंकवादी। श्रीनगर में मंगलवार की शाम शुरू हुआ था एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर चलाया सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर में एनकाउंटर को लेकर बवाल, आतंकियों के परिजनों ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए। मुंबई में बहू की हत्या के आरोप में ससुर समेत 3 गिरफ्तार, 24 दिसंबर को मलाड में बोरे में मिली थी लाश। यूपी के अमरोहा में साप्ताहिक बाजार में चले लाठी डंडे, 2 गुटों की भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा घायल। कानपुर पुलिस ने सट्टेबाजी के गिरोह का किया भंडाफोड़, 2,06,00,000 रुपए के साथ 4 गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में साधु की हत्या, पूर्व सरपंच समेत 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज, झोपड़ी में मिली साधु की लाश। समस्तीपुर के सरायरंजन में हथियार बंद अपराधियों ने बंधन बैंक में की लूटपाट, सीसीटीवी में तस्वीरें। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, शराब के नशे में युवक ने पड़ोस के 2 युवकों को मारी गोली। जबलपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, नशीली दवाओं के तस्कर की इमारत पर चला बुलडोजर। बिहार के खगड़िया में उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ लाखों की लागत से बना जल मीनार, एजेंसी के दफ्तर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाई जा रही 171 लीटर शराब जब्त। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार गोते लगा रहा है पारा, बुधवार को 3.5 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान।
दिल्ली में आने वाले दो दिनों में और सितम ढाएगी सर्दी। मौसम विभाग के अनुसार नए साल पर ठंडी हवाएं लोगों को बेहाल करेंगी। रेन होगा, काफी लंबा स्पेल है रेन, 4-5 को तो झमाझम बारिश होगा दिल्ली में और टेम्परेचर 1 तारीख से राइज होगा। और दिल्ली में जो है पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड, शीतलहरी के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राजस्थान के माउंट आबू में जारी है सर्दी का सितम, लगातार दूसरे दिन 0 से 4 डिग्री नीचे रहा तापमान। जम गया राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी का इलाका, 0 से 3 डिग्री नीचे पारा। राजस्थान के चुरू में 0 से 1.5 डिग्री नीचे लुढ़का पारा, खेतों में फसलों पर जमी बर्फ। हिमाचल में बर्फबारी के बाद गोते लगा रहा है तापमान, केलांग में 0 से करीब 13 डिग्री नीचे पारा। करीब 7 साल बाद घरेलू क्रिकेट में श्रीशांत की वापसी, मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की टीम की ओर से दिखाएंगे कमाल। मेलबर्न में आज टीम इंडिया के साथ जुड़े रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट में करेंगे पारी की शुरुआत। तीसरे टेस्ट में वापसी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर, खराब प्रदर्शन की वजह से जो बर्न्स टीम से बाहर। मेलबर्न टेस्ट में जीत से गदगद हैं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, कहा वेल डन रहाणे, आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं भी दी। पहले टेस्ट में फवाद आलम की सेंचुरी भी नहीं बदल सकी पाकिस्तान की तकदीर, न्यूजीलैंड ने 101 रन से जीता टेस्ट, अब टेस्ट चैंपियनशिप में कीवी नंबर 1। 133 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ 47,746 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 49 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 13,981 पर बंद हुआ निफ्टी। भारत में पहली बार शुरू होगी चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री, 1 से 10 जनवरी तक देशभर में एसबीआई की 29 ब्रांच पर मिलेंगी बॉन्ड्स। अतानु चक्रवर्ती होंगे एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन, वित्त मंत्रालय में रह चुके हैं आर्थिक मामलों के सचिव। बीस सालों में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 182 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, जनवरी तक पहुंच सकता है 200 लाख करोड़ रुपए के पार। 50% लोगों ने इस बार नया साल घर में ही मनाने का फैसला किया, 65% लोग घर पर ही ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे खाना। नुकसान के बावजूद भारत में अमेजॉन ने 2019-20 में किया 11,400 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 8,000 करोड़ पहुंचा कंपनी का घाटा। अमेजॉन ने किया मेगा सैलरी डेज का ऐलान, 1 जनवरी से 3 जनवरी तक ग्राहकों को अलग अलग सामान पर मिलेगी 25 से 60% तक छूट। टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया में 276 करोड़ में खरीदी 32.67% हिस्सेदारी, 84% पर पहुंचा कुल हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।